हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। दोस्तों, अक्सर आप सब ने किसी फैक्ट्री, कारखाने या टीन सेट से बने मकानों पर एक गोल गोल सी घूमती हुई एक चीज़ देखी होगी, और इसे देखकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये है क्या और ये क्यों लगाई जाती है, इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करती है, इसका नाम क्या होता है। ये सब सवाल आप सबके भी मन में आते होंगे। आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं जंप इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोल गोल से घूमती हुई इस चीज़ का नाम विंड वेंटिलेटर है, और अलग अलग जगह के हिसाब से इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे एयर वेंटिलेटर, विंड वेंटिलेटर, एयर वेंटिलेटर फैन, विंड वेंटिलेटर फैन, वेंटिलेटर फैन, टर्बो वेंटिलेटर, रूफ वेंटिलेटर, विंड टर्बाइन वेंटिलेटर, और भी कई सारे नामों से इसे जाना जाता है। मोस्टली इसको फैक्ट्री, कारखानों या फिर टीन सेट से बड़े मकानों, गोडाउनों या गोदामों में यूज किया जाता है। दोस्तों, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियों में विंड वेंटिलेटर के थ्रू प्रॉपर वेंटिलेशन और फैक्ट्री में प्रॉपर सनलाइट लेने के लिए, और इसके साथ साथ फैक्ट्री की गर्म हवाओं को बाहर निकालने के लिए विंड वेंटिलेटर को लगाया जाता है। इसके बेसिकली दो काम होते हैं। पहला ये कि फैक्ट्रियों की गर्म हवाओं या प्रदूषित हवाओं को बाहर निकालना, और दूसरा काम होता है फैक्ट्री या कारखाने में प्रॉपर सनलाइट या प्रकाश प्रोवाइड करवाना। दोस्तों, दोनों ही काम ये विंड वेंटिलेटर बड़े ही ईमानदारी से निभाते हैं करते हैं। विंड वेंटिलेटर का वर्क प्रिंसिपल पवन चक्की की तरह ही होता है, इसीलिए इनको विंड वेंटिलेटर फैन भी बोला जाता है। इसके अंदर एक शाफ्ट लगी होती है जिसके ऊपर फिक्स स्ट्रक्चर, इसे टीन सेड या फैक्ट्री की छत पर फिक्स करने के लिए लगा होता है। इस शाफ्ट पर लगे दोनों बियरिंग बॉडी को घुमाने के लिए लगे होते हैं। बियरिंग के ऊपर छोटी छोटी प्लेट से बनाई हुई ये बॉडी फिक्स की जाती है। इन प्लेटों को ऐसा डिजाइन दिया जाता है कि बाहर की हवा कौन सी भी दिशा में चले, ये विंड वेंटिलेटर एक ही दिशा में घूमते हैं और फैक्ट्री की गर्म हवाओं को अपनी ओर खींचकर बाहर करते रहते हैं। चूंकि फैक्ट्रीज में मशीनों के चलने से और वहां की मैन पावर ज़्यादा होने से वहां की हवा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती जाती है, और ऊपर उठने के बाद ये विंड वेंटिलेटर इस गर्म हवा को, इस हल्की हवा को या इस प्रदूषित हवा को अपनी ओर खींच कर बाहर निकाल देते हैं। यही इन विंड वेंटिलेटर का मेन काम होता है। प्राइस की हम बात करें तो ये विंड वेंटिलेटर आपको मिनिमम 3000 या 3500 रुपए से लेकर उससे ऊपर तक इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस विंड वेंटिलेटर के बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।